हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे जो शेयर है इसका प्राइस अभी 38.60 रुपये चल रहा है और अभी इसमें किस तरीके से पोजीशन बनाने का एक अच्छा मौका मिल रहा है हमें, ये मैं आपको सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, साथ ही मैं आपको फंडामेंटल भी इसके दिखाने वाला हूँ कि फंडामेंटल में हमें क्या यहाँ पे अच्छी चीज दिख रही है, जिसके कारण कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस पे लाऊंगा। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, पहले अपन फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेके आगे ट्रेंड लाइन में मैंने क्यों ड्रॉ कि किस तरीके से यहाँ पे काम होने सब बताने वाला हूँ। तो बने रहेगा मेरे वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आ गया हूं मैं यहाँ पे फंडामेंटल पे। अब फंडामेंटल में क्या है, देखिए IDFC फर्स्ट बैंक जो है 38.60 रुपये पे आज का शेयर चल रहा है। यहाँ पे इंसेंटिव वैल्यू का डाटा सफिशियंट कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस FD रेट की अगर बात की जाए तो स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब यहाँ पे स्टॉक जो है इक्विटी पे FD रिटर्न जितना रिटर्न भी जनरेट करने में सक्षम नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया जाए ट्रिकर टेप की तरफ से। यहाँ पे वेबसाइट है, इसके ऊपर ही रिसर्च करके बताया गया है। डिविडेंड ऑफर नहीं करता स्टॉक अच्छा कोई भी। इसके अलावा अगर हम बात करें एंट्री पॉइंट को, तो यहाँ बहुत अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं हुए, इस कारण से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं। नो रेड फ्लैग फाउंड हो रहा है, मतलब स्टॉक कहीं भी ASM GSM लिस्टेड भी नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी करने के लिए अच्छी चीजें संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग क्या है, कुछ भी प्लेस्ड नहीं है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है प्लेस प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंस। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद की फॉरकास्टिंग पे चलते हैं। ओवरव्यू में यहाँ पे चार्ट बना है जो कि आज हाई था 40.65 रुपये का और गिर गया कितना है, लगभग 2.5% के आसपास, और 38.30 रुपये यहाँ पे इसका लो फिलहाल का बना हुआ था। फोरकास्टिंग की बात करें तो लगभग यहाँ पे 40% लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, 40% एनालिस्ट जो कि क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को इस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए। फाइनेंशियल हर शेयर को इन्वेस्ट करने के पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है, देख लेना। तो फाइनेंशियल में यहाँ बहुत ज्यादा हमें ग्रीन अच्छी चीज दिखाई दे रही है, इसी कारण देखिए यहाँ पे स्टेट अपने को कर लेना चाहिए कि यहाँ पे निवेश करने का एक अच्छा मौका बन रहा है। यहाँ पे हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब है, यहाँ पे पिछले 5 साल से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू की ग्रोथ जो है ईयरली रेट पे 35.8% हुई है और एवरेज कितनी है 12.95, मतलब अपना 35.8 हो रहा था, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 1.19 से 2.91, लगभग 2% हमें मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये बड़ा है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, नेट इनकम थोड़ा सा कमी आई है। इसके अलावा मैं आपके सामने पूरा चार्ट लगा देता हूँ 2018-19-20-21 का, जिससे कि आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। रेवेन्यूज क्या है, यहाँ पे 10,218 करोड़, यहाँ पे कितना है 13,200, फिर 17,962, उसका 18,221, कंसिस्टेंटली बढ़त हो रही, प्रॉफिट कर रही कंपनी, मतलब आगे हमें अच्छे रिटर्न देखने को एक्सेप्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ से हमें अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद आपको लेके जा रहा हूँ टेक्निकल चार्ट के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है कांस्टेंट है, लेकिन FII ने यहाँ से लगभग 1.5% यहाँ से माल अपना क्या किया है, यहाँ से डिक्रीज किया है होल्डिंग में, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें इसके होल्डिंग पैटर्न की, तो होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा होल्डिंग पैटर्न जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड होल्डिंग कितनी है यहाँ पे, अदर डोमेस्टिक फंक्शन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन और रिटेल एंड अदर सबकी बता रखी है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 36.49%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 3.5%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगभग 6% और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगभग 14% 13.5% यहाँ पे है, और रिटेल की कितनी है लगभग 40% की यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे रिटेल और अदर इन्वेस्टर की दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा होल्डिंग पैटर्न। इसके बाद हम बात करने वाले टेक्निकल चार्ट की, और टेक्निकल चार्ट का मैंने आपको बोला था कि टेक्निकल चार्ट में मैं आपको लेके जाऊंगा और वहाँ पे अपन समझेंगे कि किस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है, क्या पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर, अब एनालिसिस करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बार लो बनाया है इसने, मैं आपको सब चीज़ ड्रॉ कर करके बताऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि क्या अभी इसके अंदर पोजीशन बन रही है। तो देखिए ये मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे इन्होंने एक सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद बहुत अच्छी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है, और ये स्टॉक लगभग 60 रुपये के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन वापस इसी लाइन पे क्या किया इसने, यहाँ पे देखिए फिर से सपोर्ट लिया है और फिर हमें अच्छी तेजी लगभग वापस 60 रुपये के आसपास यहाँ पे 60 रुपये के ऊपर ही यहाँ पे देखने को हमें मिला है। उसके बाद वापस सपोर्ट लेके फिर जब ऊपर गया है तो लगभग ही कहाँ गया है, 65 रुपये के आसपास, 64 रुपये के आसपास यहाँ पे ऊपर हमें देखने को मिला है। और फिर यहाँ पे सपोर्ट जब लिया है तो ये यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट को देखिए, लाइन के ऊपर सपोर्ट आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ सपोर्ट जो लेते हुए क्या हुआ, सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत नीचे हमें शेयर आता हुआ दिखा और फिर वापस रिकवरी आई, और फिर वापस से जो यहाँ पे जो है लाइन, ये लाइन जो मैं ड्रॉ करी है, इस पर सपोर्ट लिया इसने,
ठीक है, इस पे सपोर्ट लेके जब ये ऊपर गया तो अभी वाली जो लाइन है हमारी उसके भी रेजिस्टेंस लेके यहाँ के बात को तोड़ते हुए आगे की तरफ निकल गया और फिर यहीं पे कंसोलिडेशन करा। फिर देखिए यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट को जब तोड़ा तो नीचे की तरफ आया और यहाँ तक ये आया नीचे की तरफ, वापिस से सपोर्ट को ऊपर की तरफ रेस्ट किया और ऊपर की तरफ क्या हुआ यहाँ पे टूट गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो मेजर बात है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद जो इतनी बड़ी गैप डाउन हुई है उसके कारण ये नीचे की तरफ खसका स्टॉक और अभी फिलहाल ये कहाँ आ गया हमारा स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे यहाँ पे आया, उसका फिर ऊपर गया और फिर वापस ने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे अपने ऊपर वाली जो लाइन थी पहले वाली इसको रजिस्ट करने की कोशिश करते हुए और ये अभी कहाँ आ गया वापस हमारे उसी लाइन पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे कि इसने पहले सपोर्ट लिया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हैमर कैंडल बनते हुए दिख रही है अच्छी लंबी गिरावट के बाद, तो यहाँ पे सपोर्ट ये ले रहा है इसका मतलब यहाँ से क्या हो सकता है एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए अगर यहाँ से अभी रिवर्सल मिलता है तो हमें आगे की क्या रणनीति होगी, तो आगे की रणनीति हमारी ये हो सकती है कि अगर यहाँ से ऊपर आता है तो हमें क्या करना है इस स्टॉक के अंदर 70 रुपए के आसपास का क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। 70 रुपए से ऊपर ही लगभग 75 रुपए के आसपास यहाँ पे टारगेट हमें एज्यूम हो सकता है। लेकिन अगर बात करें नीचे के स्टॉप लॉस की तो यहाँ पे अगर अपन कितने रुपए में बाइंग कर रहे हैं 55-56 रुपए के आसपास, तो 75 रुपए का टारगेट आप ले रहे हैं मतलब आप यहाँ पे कितना ले रहे हैं 20 रुपए का टारगेट ले रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे मैं आपको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो सजेस्ट नहीं करूंगा, एक शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मिल रहा है अभी ये चल रहा है 56 रुपए पे। तो आपको यहाँ से जो है ये वाला जो स्टॉप लॉस है ये वाला जो लो है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ किस जगह का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, ये वाला, ये वाली जो कैंडल है इसका जो ये अभी लो बना है मतलब ये बना है, इसके बाद अगर ज्यादा थोड़ा सा बड़ा सेफ स्टॉप लॉस अगर आपको लेना है तो ये वाला लो आप स्टॉप लॉस में लीजिए। और इसको क्या करेंगे अपन देख लेते हैं लगभग कहाँ पे निकल के ये आ रहा है, ये लगभग आपका निकल के आएगा 45 रुपए के ऊपर मतलब समझ लीजिए 46-47 रुपए के आसपास आपका क्या बन रहा है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बन रहा है। और इसके नीचे अगर यहाँ पे जाता है स्टॉक तो आपको स्टॉप लॉस क्या कर देना है एक्सिट कर देना है, वैसे अभी नीचे नहीं जाएगा अभी यहाँ से ऊपर रिवर्सल ले सकता है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और खुद की रिसर्च करें उसके बाद ही कोई भी डिसीजन पे पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।